कहाँ से होगा पैसों का इंतजाम? अम्मी और फरिया भी वहां पे इंतजार कर रही होंगी। ये अंगूठी बेच देती हूँ, 20-25 हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे। अम्मी। हाँ बेटा, जरा ये ड्रेस देखिएगा, इसकी मैचिंग नहीं हो रही है। ओह, अच्छा क्या तूने मुझे याद दिला दिया, मेरे जहन से तो बिल्कुल ही निकल गया था। ऐसा करो कि ध्यान से सब कपड़े रख लो, वो जिनकी मैचिंग करवानी हो और ये जिनका काम नहीं हुआ। देखो मेरे पास बहुत काम पड़े करने वाले, ये रोज रोज बाजार के चक्कर मुझसे नहीं लगते। अच्छा आप फिक्र नहीं कर रहे हैं, मैंने सब कुछ रख लिया है। और ये आप ही कहाँ रह गई हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं? अगर अब भी नहीं निकले ना तो रात हो जाएगी आते आते। अरे तो बेटा फोन करके मालूम करो ना, घर से निकली भी है या नहीं। हाँ जी मैं पूछती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ आप ही, आप कहाँ रह गई हैं? हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है ना कितनी खरीदारी करनी है। और फरिया ऐसा करो कि तुम और अम्मी चले जाओ, मैं नहीं आ सकती। क्या मतलब, आपने शॉपिंग नहीं करनी? वो मैं 2-4 दिन में कर लूंगी, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बाजार में ख्वार नहीं हो सकती। अच्छा चले, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही है? यकीनन पैसों का ही मसला होगा, बहाना कर रही है। इसलिए मैंने भी ज्यादा बहस नहीं की। चलो खैर तुम ये सब समेटो, देर हो रही है। चल ठीक।